बंगाल में मुहर्रम को लेकर ममता बनर्जी के अलग कॉरिडोर बनाने के निर्देश को लेकर सियासत चल रही है। तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी पर संगीन इल्जाम लगाया। टीएमसी का कहना है कि बंगाल में सिर्फ रामनवमी पर दंगा होता है और इसकी वजह बीजेपी की बयानबाजी है। टीएमसी ने कहा कि मुहर्रम के दिन व्यवस्था के निर्देश का मतलब यह है कि ममता बनर्जी राजधर्म का पालन कर रही है। बीजेपी कह रही है कि नहीं, ये तुष्टिकरण की राजनीति है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के प्रशासनिक प्रधान हैं, वो मुख्यमंत्री हैं और वो पुलिस मंत्री हैं। अगर वो अपने रिव्यू मीटिंग में ये कहे कि कोई रिलीजन, किसी भी धर्म का एक त्यौहार आने वाला है, उसमें हमें देखना पड़ेगा कि पुलिस फोर्स ठीक से काम करे ताकि कोई भी वारदात ना हो, यही तो काम है, यही तो राजधर्म होता है एक मुख्यमंत्री और पुलिस मंत्री का। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूँ कि दुर्गा पूजा में कुछ नहीं होता, कोई झमेला नहीं होता, काली पूजा में नहीं होता, सरस्वती पूजा में नहीं होता, लक्ष्मी पूजा में नहीं होता, रथ यात्रा में नहीं होता, सिर्फ रामनवमी में क्यों होता है? क्योंकि रामनवमी में बीजेपी के जो मूर्ख नेता हैं वो लोग बयानबाजी करते हैं कि हथियार लेके करो। कहां पर, किस शास्त्र में लिखा है प्रभु राम ने बोला था हथियार लेके मेरा पूजा करो? शिवम त्यागी, गंभीर इल्जाम लगाया इन्होंने। देखिए विषय, इन्होंने कहा कि ममता बनर्जी जो है बंगाल की प्रशासनिक उसकी भी प्रधान है और वो राजधर्म का पालन कर रही है। वो राजधर्म का पालन नहीं कर रही, वो मुस्लिम धर्म का पालन कर रही है। सॉरी, अगर राजधर्म का पालन करना था तो राज्य में जितने भी धर्म के लोग हैं और जितने भी धर्म के जितने भी त्यौहार हैं उनको शांति से चलाने का, उनको शांति से ऑर्गेनाइज कराने का, सारी शोभा यात्राओं को शांति से ऑर्गेनाइज कराने की जिम्मेदारी भी ममता बनर्जी की ही पड़ती है। लेकिन उसके लिए तो चाहे वो मंदिरों को ढकवा देती हैं मुहर्रम के टाइम पर, चाहे उन पर कपड़ा लगवा देती हैं, चाहे वो उस पर बैन, प्लीज बीच में नहीं बोलो, प्लीज बीच में नहीं बोला, नहीं बताइए ना अलीमुद्दीन, बीच में सवाल कर रहा हूं बोला, आप छोड़िए, आपने सवाल का मौका मिला और आप उसी धर्म की बात करते हैं। अब आगे आता हूं, एक बात और मेरे मित्र ने कही, कहते वो इस देश में जितने भी न्यूसेंस क्रिएट करने वाले लोग हैं, होली, दिवाली, ईद, इन सबको भी जेल में डालना चाहिए। ठीक बात है, फिर तो एक दर्जन तो मुझे लग रहा है इस देश में अभिनेता और कलाकार ही जेल डाले जाएंगे। वही कहते हैं कि होली में पानी मत चलाओ, दिवाली में पटाखे मत चलाओ। मैं मानता हूं इस तरह के लोग अगर है तो साफ सीधी बात है सरकारों की अपनी जिम्मेदारी अलग है। अगर ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी की जिम्मेदारी ताजिए की है, लेकिन उसके साथ साथ शोभा यात्रा की भी है। अगर उनकी जिम्मेदारी ईद की है तो उनकी जिम्मेदारी दिवाली की भी है। अगर उनकी जिम्मेदारी जो है बकरीद की है तो उनकी जिम्मेदारी जो है और रामनवमी की भी, सबकी जिम्मेदारी बराबर है। हम निर्माण कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, अगर 10 सेकंड उत्तर प्रदेश का कोई एक एग्जांपल बताइए। 2017 से जब से हो रहा है सारे त्यौहार बराबर मन रहे, कोई एक हंगामा हो, कोई एक दामा हो, कोई एक दंगा हो, और उत्तर प्रदेश 2017 से पहले देखिए हर त्यौहार में दंगा होता था। बस यही फर्क है, हम कोई अपीजमेंट नहीं कर रहे हैं, त्योहार सब मनाइए, बराबर मनाइए, लेकिन कानून के दायरे में रहकर मनाइए, और दंगा तभी ठीक किया जा सकता है। विनय सिंह, क्या कभी शोभा यात्रा के लिए भी स्पेशल कॉरिडोर बनेगा बंगाल में? बंगाल में मैंने पहले भी कहा कि सभी धर्म सभी मजहब के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जाती हैं ताकि नहीं मुझे बताइए ना कि इससे पहले बंगाल में हमने देखा है हर साल शोभा यात्रा में हिंसा, बवाल, अगजनी, पत्थरबाजी, तब आपका स्पेशल कॉरिडोर कहां चला जाता है? कहां चला जाता है कॉरिडोर? कहां गुम हो जाता है? रास्ता भटक जाता है क्या? वो तो भारतीय जनता पार्टी के लोग का षड्यंत्र है और उनकी कॉन्स्पिरेसी है कि समाज में पीस नहीं है, शांति नहीं है, जानबूझकर के वो लोग ऐसी वारदात। तो लॉ एंड ऑर्डर तो आपका सब्जेक्ट है, बंगाल की जनता, लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है। लॉ एंड ऑर्डर सब सही रहता है, उसमें बहुत बवाल अच्छा। करने वाले 10-20 आदमी बवाल कर देते हैं। ठीक है विनोद बंसल साहब, नतीजा अब ये देखिए, मतलब आपको बंगाल की हिंसा नहीं दिखती? आप कहते हैं कि बंगाल में कभी हिंसा नहीं हुई, कभी शोभा यात्रा में बवाल हंगामा नहीं हुआ, कभी पत्थर नहीं बरसाए गए? विनोद बंसल जी, मैं देखो चुपचाप सुन रहा था, मुझे लगता है कि मेरी गंभीर बात को भी ये चुपचाप सभी लोग सुनेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए टीएमसी ने कहा कि अभी हम दुर्गा पूजा ही नहीं, ये त्यौहार भी मनाते हैं, ये त्यौहार भी मनाते हैं, ये त्यौहार भी मनाते हैं। जितने त्यौहारों का 5-6 त्यौहारों का उन्होंने जिक्र किया, क्या 5-6 त्यौहारों के लिए हमें हाईकोर्ट जाना पड़ा कि नहीं जाना पड़ा? मुझे बताइए, विश्व हिंदू परिषद खुद गया है,
भाई साहब हाईकोर्ट में परमिशन लेने के बाद हमने यात्रा निकाली। हाईकोर्ट तो जाने की लत आप लोगों को लगी हुई है, आप लोग बात बात में कोर्ट जाते हैं और बंगाल जैसी पूजा पाठ की व्यवस्था कहीं नहीं है। किसी राज्य में बंगाल के जैसे दिवाली हो, होली है, ईद, बकरीद, लक्ष्मी पूजा, सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, सब बेहतरीन बंगाल में मनाया जाता है। बकरीद पर क्या लहू बहाना जरूरी है क्या? क्या ताजिए पर जो है ना लहूलुहान ये धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने की आप कोशिश मत कीजिए। आप भी बलि देते हैं, लहूलुहान आपके धर्म में भी बलि है। पटाख खेलने के बाद यही से आपका चलित चेहरा नजर आता है, बलि आप भी देते हैं। कभी मुसलमानों ने उस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया। आप क्या करते हो विशुद्ध पुरुष? असदी साहब, असदी साहब, अभी आपने योगी सरकार के फैसले का आपने स्वागत किया, लेकिन यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी ये खड़ी हो गई या विवाद ये खड़ा हो गया कि भाई सभी धर्मों में ये हथियारों का प्रदर्शन होता है तो सिर्फ मुहर्रम पर ही रोक क्यों? ये रोक तो सभी के लिए, बिल्कुल हम स्वागत करते हैं। अगर सत्य आपने कभी ये बोला, अगर आपने कभी बोला, आपने कभी बोला कि जैसे उत्तर प्रदेश में स्पेशल कॉरिडोर किसी के लिए नहीं है तो वहां पर स्पेशल कॉरिडोर? देखिए कॉरिडोर से मुराद क्या है आपकी, पहले ये बताइए। कोई रोड तामीर हो रहा है वहाँ एक विशेष करके रास्ता का? उन्होंने सुनिए सुनिए सुनिए, कॉरिडोर जो बनना है को वो पक्का कॉरिडोर नहीं बनना, उन्होंने एक रास्ता दिया है सड़क पर। कॉरिडोर का मतलब है कि बाकायदा जो रास्ता है उसको सैनिटाइज किया जाए, बंद किया जाए, बस सोने के शमून काश्मीर साहब, कई लोगों को प्रॉब्लम है। एक तो बयान हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखा दिया, उनका कहना है कि भाई योगी सरकार ने जो फैसला लिया है एक एक खास विशेष वर्ग को टारगेट करने के लिए लिया गया, लेकिन उसमें कहीं भी फैसले को अगर कोई देखेगा और पढ़ेगा तो कहीं भी हिंदू मुसलमान का जिक्र है ही नहीं उसमें। पिछले 10 सालों से देश दंगा मुक्त है, शांति के साथ जो है देश आगे बढ़ रहा है, और ये भारतीय जनता पार्टी के जमाने में मुसलमानों की जो ग्रोथ हुई है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये कोई आज ही हुआ था उत्तराखंड में? इससे पहले 60 सालों में नहीं था क्या? उत्तराखंड में मदरसों में मदरसों को उन्हें इस लायक बनाने की कोशिश की कि ताकि वो कंपटीशन में आ जाए, तो ये इन जैसे लोगों को परेशानी हो रही। हिंदुस्तानी के नाते बात करो, जरा एक मिनट, नहीं हिंदुस्तानी के नाते बात करो। अरे भाई, 60 सालों में जो समझ लो क्या कहना चाह रहे हो, क्यों कर रहे हो यार, कितने दंगे हो गए? आपको मालूम जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या 60 साल में मुसलमानों का विकास नहीं हो सकता था? क्या ये मुहर्रम हुआ नहीं क्या? ये मातम के महीने क्या ममता जी, क्या ममता बनर्जी, क्या उन मदरसों को इस लायक नहीं बना सकती जिन्हें ग्रांट दे रही है? क्यों नहीं इंजीनियर बनाए, आईएएस बनाए? भारतीय जनता पार्टी बना सकती है, और ये आज देश के देश का जो वातावरण है वो इन लोगों ने गुमराह कर रखा है, क्योंकि इनकी रोजी रोटी का मसला है। अरे हम तो मदरसों में खुद इंजीनियर और डॉक्टर बना रहे हैं, आपको खड़ा होना चाहिए, दारू होना चाहिए, आपको गुमराह कर रहे हो, खड़ा होना चाहिए। तुम्हें पता ही नहीं है, मैं बताऊं कहां से पढ़ के आया हूं, मैं क्या कह रहा हूं तुमसे? अरे तुमको मदरसों की मुखालफत कर रहा है क्या कोई? हम तो इंजीनियर बना रहे हैं उन्हें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी और तुम्हारे जैसे लोग, तुम्हें क्या पता है? तुम्हें तो कुछ आता नहीं, ज्यादा कहां से आ गए इस्लामिक स्कॉलर बन गए? मुसलमानों को गुमराह कर रहे हो तुम, मुसलमानों को गुमराह कर रहे हो। अरे मुसलमानों को आगे बढ़ने दो, अरे आप तुम्हें बता दो, आज देश का मुसलमान तुम जैसे लोगों के वजह से गुमराह है। मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूँ अपने बच्चों के फ्यूचर को देखो, आप उन्हें तलवार सिखाना मत सिखाओ, उन्हें किताब पढ़ना सिखाओ, उन्हें अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाओ। आपको तलवार सिखाना नहीं सीखना चाहिए, पत्थर चलाना नहीं सीखना चाहिए। अरे इनके बच्चे, इनके आज मैं पूछना चाहता हूँ, इनके बच्चे पत्थर क्यों नहीं चलाते? वो इंग्लैंड में पढ़ते हैं, वो बाहर जाके पढ़ते हैं, तुम्हारे बच्चों को जेल मिलती है। पिछले कांग्रेस के जमाने के अंदर हजारों मुसलमान जेल में पड़े हुए थे, आज के दौर में कोई एक जगह बता दीजिए जहां पे ज्यादती हो रही हो। अगर योगी जी कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो मुसलमान तो फॉलो करते हैं, बताइए। आप जाइए, निकल के चले जाइए मैदान में, आपको अगर कोई मुसलमान विरोध करने वाला मिल जाए, अरे हम तलवार चलाने नहीं, हम तो जानते हैं।
सुनाना चाहता हूं जो योगी सरकार का आदेश है। गलत कह रहे हो, झूठ बोलते हो। इसको लेकर एक शख्स क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम इसे नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे जरा सुन लीजिए। बंदी चाहती लगाई जाए, शिया है वो तो काम काम करेंगे, समझे आप। जो मातम करने वाले मातम करेंगे, जंजीर लगाएंगे, कमा लगाने वाले कमा लगाएंगे। बंदिश नहीं मानेंगे, बंदिश हम लोग कोई मान ही नहीं सकते हैं, चाहे इतना रोक कोई भी रोक कर दे। बंदिश तो बहुत लगाई गई है लेकिन उस पर हम लोग उसको नहीं मानेंगे। क्यों, ये हम लोग अपने धर्म के हिसाब से कर रहे हैं तो इसमें कोई रोक कर ही नहीं सकते। वो छुरी लगाते हैं, खमा लगाते हैं, जंजीर लगाते हैं, तलवारबाजी भी, तलवार अपने को वो करते हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते। तलवार निकलेगी और तलवार चलेगी भी और हम लोग खमा लगाएंगे भी भाई, खून बहाएंगे, उसी लिए हम लोग पैदा किए गए। सीधी सीधी बात है, हम लोग की जिंदगी जो है तो इमाम हुसैन के लिए है, उन्हीं के नाम पर मरना है, उन्हीं के नाम पर जीना, उन्हीं के बदले में खाते हैं सत्ते में। जो बंदिशें लगाई गई हैं तलवार, हम मानेंगे नहीं उसको। अब बताइए, अब सवाल है कि अब क्या किया जाए। आदेश है, फैसला है, कह रहे नहीं मानेंगे, परंपरा उसको निभाएंगे। आप आदेश पर आदेश जारी करते रहिए। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं आदेश का होगा, पालन होगा उसका। एक सीधा सा प्रश्न, एक छोटा सा प्रश्न, मैं यहाँ पे कासमी साहब भी बैठे, मौलाना साहब भी खड़े हैं, इस्लाम शांति का धर्म है या अशांति का धर्म है? शांति का धर्म है। तलवार आती है धर्म में, नहीं आती भाई, तलवार का ये मौका नहीं है। मुझे जहां तक पता है इस्लाम शांति का धर्म है और कहा जाता है कि जो एक पूरी इस पिक्चर खींची जाती है, शांति का धर्म है, हर जगह मैं भी शांत रहूं, तू भी शांत रहे, और कहीं भी अत्याचार के विरोध में भी शांति की बात की जाती है जितना मैं समझता हूं। तो भाई फिर तलवार आ कहां से गई बीच में? मुझे बताइए तलवार आ कहां से गई? कॉन्सेप्ट है वहां पर जिहाद करवाएंगे आप? जिहाद करवाएंगे आप? नहीं नहीं नहीं, जिहाद करवाएंगे? अरे मुझे बोलने, अरे बोलने दो जी, जिहाद कराएंगे आप? नहीं, ये जिहाद, जिहाद आपने कहा जिहाद का कॉन्सेप्ट, तो इस नहीं नहीं, इस जिहाद में तलवार और जिहाद कैसे सामने आ गए जरा बताइए। ऐसा है, जब जिहाद जो है ये है कि अगर जो है कहते हैं दूसरा पक्ष आपके ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म कर रहा है, अच्छा, तो आप जो है जिहाद कीजिए। क्या करेंगे जिहाद के अंदर? अब जिहाद जो है शुरू होता है आवाज उठाने से, और आगे जो है शस्त्र तक भी जाता है। मुहर्रम के अंदर, मुहर्रम के अंदर वो कहां आ गया कि दूसरा पक्ष सामने खड़ा हो गया? मैं कह रहा हूं इस तरह के लोग व्याख्या करेंगे, गुमराही तो होगी, मैं गुमराही तो होगी। यानी अमन के मायने क्या है, इस्लाम के मायने क्या, आचार्य जी ने कहा? अरे सेल्फ डिफेंस, 1400 साल सेल्फ डिफेंस में जिहाद करना कोई बुराई नहीं है। उन्होंने हाथ तक नहीं उठाया किसी को, सेल्फ के लिए भी हाथ नहीं उठाया। सेल्फ डिफेंस में सेल्फ डिफेंस में जिहाद करना कोई बुराई नहीं है। सेल्फ डिफेंस में क्या है, मैं बताना चाह रहा हूँ, अफसोस की बात है, सेल्फ डिफेंस में इन शब्दों में सेल्फ डिफेंस में जिहाद करना जायज है। सेल्फ डिफेंस कहां से आ गया?